हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे बहुत आसानी से स्मार्ट स्विचेस यूज करके टू वे, थ्री वे या फोर वे स्विचिंग सेटअप कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रीवायरिंग के। और सबसे खास बात, आप इन्हें कहीं भी लगा सकते हैं, दूरी कोई इशू नहीं होगा। आप दुनिया के किसी भी दो अलग जगहों पर इन स्विचेस को इंस्टॉल करके ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी बिना उन दोनों स्विचेस को आपस में किसी वायर के थ्रू कनेक्ट किए, जैसे नॉर्मल टू वे स्विचिंग के केस में करना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं स्मार्ट स्विचेस यूज करके टू वे स्विचिंग कैसे सेटअप करना है बिना रिवायरिंग के, वो बताऊंगी। इसके लिए आपको दो स्मार्ट स्विचेस की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी दो स्मार्ट स्विचेस ले सकते हैं, जैसे मैंने एक ये पुश बटन स्विच लिया है और एक ही टच पैनल स्विच लिया है। इन दोनों स्विचेस का डिटेल डेमो वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया है। इनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियोस देख सकते हैं। टू वे स्मार्ट स्विचिंग सेटअप करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि आप जिस डिवाइस को टू वे स्विचिंग के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे लाइट, फैन, उस डिवाइस को आपको एक स्मार्ट स्विच से कनेक्ट करना है। डेमो के लिए मैंने इस टच पैनल स्विच को एक एलईडी लाइट से कनेक्ट किया है। कनेक्शन डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जब आप इस स्विच को प्रेस करेंगे तो इससे कनेक्टेड लाइट ऑन हो जाएगी और दोबारा प्रेस करने पर इससे कनेक्टेड लाइट ऑफ हो जाएगी, जैसे एक नॉर्मल स्मार्ट स्विच के केस में होता है। मैंने मेरे दूसरे स्मार्ट स्विच यानी इस पुश बटन स्विच के आउटपुट को किसी से भी कनेक्ट नहीं किया है, उसे खुला ही छोड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इस पुश बटन स्विच को ऑन कर रही हूँ तो कोई भी डिवाइस ऑन नहीं हो रहा है, और जब मैं इस पुश बटन स्विच को दोबारा प्रेस करके ऑफ कर रही हूँ तो कोई भी डिवाइस ऑफ नहीं हो रहा है, सिर्फ स्विच ही ऑन या ऑफ हो रहा है। थर्ड स्टेप है कि आपको सीन्स क्रिएट करना है। आपको अपने मैन्युफैक्चरर के ऐप में जाकर, जैसे मेरे केस में स्मार्ट लाइफ ऐप में, या फिर थर्ड पार्टी ऐप जैसे IFTTT, या फिर अगर आप कोई हब यूज कर रहे हैं तो उस केस में हब के ऐप में जाकर सीन्स क्रिएट करने हैं। आपको पहला सीन ये क्रिएट करना है कि जब आप इस दूसरे स्विच को ऑन करें तो पहला स्विच ऑन हो जाए, और दूसरा सीन ये क्रिएट करना है कि जब आप इस दूसरे स्विच को ऑफ करें तो पहला स्विच ऑफ हो जाए। बेसिकली दूसरा स्विच एक ट्रिगर की तरह काम करेगा पहले स्विच को ऑन या ऑफ करने के लिए। चलिए अब मैं आपको सीन्स क्रिएट करके दिखाती हूँ स्मार्ट लाइफ ऐप के थ्रू। तो चलिए पहले मैं पहला सीन क्रिएट करती हूँ स्विच ऑन करने का। इसके लिए मुझे स्मार्ट लाइफ ऐप में जाकर स्मार्ट पे टैप करना है, और फिर ऑटोमेशन पे टैप करना है, और फिर उसके बाद प्लस बटन पे टैप करना है, और यहाँ पे मुझे व्हेन डिवाइस स्टेटस चेंजेस ऑप्शन पे टैप करना है, और यहाँ पे मैं लाइट स्विच सिलेक्ट करूँगी जो कि मेरा दूसरा पुश बटन स्विच है। ये थ्री गैंग स्विच है, तो इसके लिए मैं पहला स्विच जो कि लाइट स्विच है वो सिलेक्ट करूँगी और इसे ऑन करने का सेव करूँगी, और उसके बाद यहाँ पे मैं रन द डिवाइस ऑप्शन टैप करती हूँ, और फिर मैं फैन स्विच सिलेक्ट करती हूँ जो कि मेरा पहला टच पैनल स्विच है, और यहाँ पे ये स्विच सिलेक्ट करती हूँ और इसे भी ऑन करने के लिए कंडीशन देते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे ये नेक्स्ट करती हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन सेव करने का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे सेव ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉपअप है कि ऑटोमेशन क्रिएटेड, स्टार्ट यूजिंग इट, तो मैं यहाँ पे यस सिलेक्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कंडीशन क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब दूसरा लाइट स्विच ऑन हो तो ये पहला टच पैनल स्विच ऑन हो जाए। तो इसी तरह से आप दूसरा सीन क्रिएट करते हैं लाइट को ऑफ करने का। इसके लिए मुझे यहीं पे ऐड ऑप्शन में जाकर व्हेन डिवाइस स्टेटस चेंजेस सिलेक्ट करना है, और फिर से दूसरे पुश बटन स्विच को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे इस लाइट स्विच को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे ये ऑफ सिलेक्ट करना है, और फिर ये रन द डिवाइस सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे ये फैन स्विच सिलेक्ट करके स्विच सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे ऑफ सिलेक्ट करना है क्योंकि हम ये सीन ऑफ करने के लिए बना रहे हैं, और यहाँ पे ये सेव ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अब नेक्स्ट पे टैप करना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कंडीशन को सेव करने का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ इसे सेव करती हूँ। तो फिर से पॉपअप है कि इस ऑटोमेशन को यूज करना स्टार्ट करें, तो मैं यहाँ पे यस सिलेक्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा कंडीशन भी सेव हो गया है। तो दूसरा कंडीशन ये है कि जब ये लाइट स्विच ऑफ हो तो पहला लाइट स्विच भी ऑफ हो जाए। चलिए अब मैं इन दोनों सीन्स को टेस्ट करके दिखाती हूँ। जब मैं दूसरे स्विच को ऑन कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि पहला स्विच ऑन हो रहा है और इससे कनेक्टेड लाइट ऑन हो रही है,
और जब मैं इस दूसरे स्विच को ऑफ कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि पहला स्विच ऑफ हो रहा है और इससे कनेक्टेड लाइट ऑफ हो रही है। तो हम सॉफ्टवेयर के मदद से टू वे स्विचिंग कर पा रहे हैं। अभी हमें दो और सीन्स क्रिएट करने हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि दो और सीन्स क्यों क्रिएट करने हैं, तो उसका रीजन मैं डेमो करके दिखाती हूँ। तो चलिए अब मैं पहले स्विच को ऑन करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इससे कनेक्टेड लाइट ऑन हो गई है, पर हमारा दूसरा स्विच अभी भी ऑफ स्टेट में है। नॉर्मली हर स्मार्ट स्विच में एक इंडिकेटर लाइट होती है जिसे देखकर आप बता सकते हैं कि स्विच ऑन है या ऑफ है। तो अगर आपने स्विच को दूसरे फ्लोर में या दूसरे रूम में लगाया है तो आपको देखकर ये लगेगा कि इस टू वे स्विच से कनेक्टेड लाइट ऑफ है, जबकि वो एक्चुअल में ऑन है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि इस स्विच में इंडिकेटर लाइट ऑफ है, पर जबकि यहाँ पे लाइट ऑन है। इस तरह इस स्विच को उस स्विच के साथ सिंक में रखने के लिए आपको दो और सीन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको पहला सीन ये क्रिएट करना है कि जब आप स्विच वन को ऑन करें तो स्विच टू भी ऑन हो जाए, और जब आप स्विच वन को ऑफ करें तो स्विच टू ऑफ हो जाए। तो इस तरह ये दोनों स्विचेस हर समय सिंक में रहेंगे। चलिए अब हम इन दोनों सीन्स को क्रिएट करके टेस्ट करते हैं। तो पहले मैं इस लाइट को ऑफ कर देती हूँ और फिर उसके बाद सीन क्रिएट करती हूँ। तो जैसे हमने पहले दो सीन्स क्रिएट किए थे, ये दोनों सीन्स भी हमें वैसे ही क्रिएट करने हैं। तो इसके लिए हमें स्मार्ट लाइफ ऐप में स्मार्ट पे टैप करना है और फिर ऑटोमेशन में जाकर प्लस बटन पे टैप करना है, और यहाँ पे व्हेन डिवाइस स्टेटस चेंजेस सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे फैन स्विच सिलेक्ट करना है जो कि मेरा टच पैनल स्विच वन है। और फिर मैं इसे यहाँ पे स्विच सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे इसे ऑन करने का कंडीशन सिलेक्ट करते हैं, और फिर यहाँ पे रन द डिवाइस सिलेक्ट करती हूँ, और यहाँ पे लाइट स्विच सिलेक्ट करती हूँ जो कि मेरा ये दूसरा पुश बटन स्विच है, और यहाँ पे लाइट स्विच सिलेक्ट करती हूँ और इसे भी ऑन करने का ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ, और यहाँ पे सेव प्रेस करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन को सेव करने का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं सेव सिलेक्ट करती हूँ और इस पॉपअप में मैं ये सिलेक्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन सेव हो गई है। तो चलिए अब चौथा सीन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लस बटन पे जाकर व्हेन डिवाइस स्टेटस चेंजेस सिलेक्ट करती हूँ, और फिर फैन स्विच में सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑफ सिलेक्ट करती हूँ, और यहाँ पे रन द डिवाइस में जाकर लाइट स्विच सिलेक्ट करके यहाँ पे लाइट स्विच सिलेक्ट करके ऑफ कंडीशन सिलेक्ट करती हूँ, और यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस चौथे सीन को भी सेव करने का ऑप्शन है। यहाँ पे इसे सेव करते हैं और इस पॉपअप में यह सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन सेव हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे चारों सीन्स क्रिएट हो गए हैं। तो मेरा तीसरा सीन ये है कि जब पहला स्विच ऑन हो तो दूसरा स्विच ऑन हो जाए, और चौथा सीन ये है कि जब पहला स्विच ऑफ हो तो दूसरा स्विच ऑफ हो जाए। इस तरह मेरे दोनों स्विचेस हर टाइम सिंक में रहेंगे। तो चलिए अब इन सीन्स को टेस्ट करते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं कि इस पुश बटन स्विच ऑफ स्टेट में है और इसके इंडिकेटर लाइट में वाइट कलर है। तो चलिए पहले स्विच वन को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन हो गई है और ये इंडिकेटर लाइट में डार्क ब्लू कलर है, यानी कि ये स्विच ऑन है। तो चलिए अब इस पहले स्विच को ऑफ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला स्विच ऑफ हो गया है और लाइट भी ऑफ हो गई है, और इंडिकेटर लाइट में पुश बटन स्विच में वाइट कलर आ गया है, यानी कि स्विच ऑफ हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्विचेस हर टाइम सिंक में है। तो अगर आप इस स्विच को किसी दूसरे रूम में लगाएंगे तो भी ये करेक्ट स्टेटस दिखाएगा। क्योंकि टू वे स्विचिंग मैकेनिज्म हम सॉफ्टवेयर के थ्रू सेटअप कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों स्विचेस को आप दुनिया के किसी भी कोने में लगा सकते हैं, डिस्टेंस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम इन दोनों स्विचेस को एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन दोनों स्विचेस को हर टाइम इंटरनेट से कनेक्टेड रखना है, ताकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विचिंग मैकेनिज्म ठीक से काम कर सके। अगर आप कोई स्मार्ट हब यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू आप अपने घर के सारे स्मार्ट होम डिवाइसेस को लोकली कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट, तो भी ये स्विचिंग मैकेनिज्म ठीक से काम करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे स्विचेस आपके स्मार्ट होम हब से कनेक्टेड हों और आपने सारे सीन स्मार्ट होम हब ऐप में क्रिएट किए हों जो विदाउट इंटरनेट भी काम कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी स्मार्ट स्विच को यूज करके मल्टीवे स्विचिंग मैकेनिज्म सेटअप कर सकते हैं। अगर आप थ्री वे या फोर वे स्विचिंग सेटअप करना चाहते हैं तो आप इसी तरह एडिशनल स्मार्ट स्विचेस को पावर से कनेक्ट करके और सीन्स क्रिएट करके थ्री वे और फोर वे स्विचिंग सेटअप कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल थ्री वे स्विचिंग के केस में आपको तीन स्मार्ट स्विचेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि टू वे स्मार्ट स्विचिंग के केस में बताया था, वैसे ही थ्री वे स्मार्ट स्विचिंग के केस में आपको स्विच वन के इनपुट को पावर से कनेक्ट करना है और आउटपुट को जो अप्लायंस आप कंट्रोल करना चाहते हैं उससे कनेक्ट करना है, और स्विच टू और थ्री के इनपुट को पावर से कनेक्ट करना है और आउटपुट को किसी से भी कनेक्ट नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ना है। इसके बाद आपको सीन्स क्रिएट करने हैं ताकि स्विचेस हर टाइम सिंक में रहें, जैसे कि टू वे स्मार्ट स्विचिंग के केस में बताया था। हर स्विच के लिए आपको दो सीन्स क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल जब स्विच वन ऑन हो तो स्विच टू और स्विच थ्री ऑन हो जाए, और जब स्विच वन ऑफ हो तो स्विच टू और स्विच थ्री ऑफ हो जाए। इसी तरह जब स्विच टू ऑन हो तो स्विच वन और स्विच थ्री ऑन हो जाए, और जब स्विच टू ऑफ हो तो स्विच वन और स्विच थ्री ऑफ हो जाए। इसी तरह जब स्विच थ्री ऑन हो तो स्विच वन और स्विच टू ऑन हो जाए, और जब स्विच थ्री ऑफ हो तो स्विच वन और स्विच टू ऑफ हो जाए। इसी तरह आप थ्री वे स्मार्ट स्विचिंग सेटअप कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप कितनी भी मल्टी स्विचिंग सेटअप कर सकते हैं, जैसे फोर वे स्विचिंग, फाइव वे स्विचिंग, बिना इन स्विचेस को आपस में एक दूसरे से किसी वायर के थ्रू कनेक्ट किए सॉफ्टवेयर की मदद से। इसका मेन एडवांटेज उस केस में है अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं जो इन स्विचेस को मोबाइल के थ्रू कंट्रोल करना नहीं चाहते या पसंद नहीं करते, या वॉइस कमांड्स के थ्रू कंट्रोल नहीं करना चाहते। तो उस केस में आप टू वे स्विचिंग या मल्टी स्विचिंग सेटअप करके उन्हें मैनुअली फैन, लाइट या कोई भी कनेक्टेड डिवाइस को मैनुअली स्विच के थ्रू कंट्रोल करने का आसान ऑप्शन सेटअप करके दे सकते हैं। तो ये था नॉर्मल स्मार्ट स्विच यूज करके मल्टी स्विचिंग सेटअप करने का एक आसान तरीका। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।